इन दिनों मौसम का मिजाज काफ़ी बदल गया है। सितंबर के महीने में जो मौसम जो है ठंड की ओर दस्तक देने लगती थी, लेकिन इन दिनों काफ़ी गर्मी उग्र हो गई थी, काफ़ी तेज हो गई थी और लोग परेशान हो रहे थे। लेकिन फिर से मौसम ने करवट बदल ली है और फिर ठंड की ओर दस्तक देने लगी है। लेकिन इस समय हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए, उस पर हमें विशेष ध्यान देने चाहिए। इस समय हम डॉक्टर राजीव रंजन के पास मौजूद हैं, चाय पर चर्चा कर रहे हैं और बात करेंगे कि इस समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए और इनके पास कौन-कौन से पेशेंट इस समय आ रहे हैं। सबसे पहले कोशियालुक में आपका हार्दिक स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सर, हम लोग चाय पर चर्चा कर रहे हैं, तो पहले ये बताइए, मौसम का जो मिजाज बदल गया है, तो आपके पास कौन-कौन से पेशेंट इस समय आ रहे हैं? अभी ज़्यादातर पेशेंट जो है लूज मोशन के और सर्दी खांसी बुखार, ये ज़्यादातर पेशेंट आ रहे हैं। मैं अभी PSC सिंहेश्वर में पोस्टेड हूँ, तो वहाँ मैं लगभग 100-150 पेशेंट देखता हूँ एक OPD में। तो वहाँ पे ज़्यादातर मरीज जो आते हैं, स्पेशली जो बच्चे होते हैं, उनको जो है सर्दी खांसी बुखार लूज मोशन के साथ वॉमिटिंग की शिकायत होती है। तो ये ज़्यादातर अभी बीमारियाँ लेकर लोग आ रहे हैं। तो इसके लिए क्या रख रखाव करने की आवश्यकता इसके है? लिए यही है कि भाई, आप जो अगर धूप है तो उस समय आप जैसे आप हमेशा आप वाटर बॉटल साथ में रखें और धूप में अनावश्यक न निकलें। अगर निकलते हैं, अगर लूज मोशन हो जाता है, तो ORS का पानी पिए, दलिया खिचड़ी वगैरह सॉफ्ट डाइट खाएं नॉर्मल डाइट की जगह। और बुखार है तो बुखार की जगह आप जो है मलेरिया के कारण भी हो सकता है, डेंगू के कारण भी हो सकता है, टाइफाइड के कारण होता है, तो उसका जो है जाँच करवा लें और उसके अकॉर्डिंग अपना ट्रीटमेंट करवाएँ। तो हम चाय पे चर्चा कर रहे हैं और जैसा मैंने कहा था, तो हमारे साथ डॉक्टर राजीव रंजन हैं, जनरल फिजिशियन, जो सिंहेश्वर में पोस्टेड हैं और तमाम जानकारी आपको दे रहे हैं कि इस समय कैसे रख रखाव करना चाहिए। तो इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि बात करते हैं, इन दिनों सर जो मौसम जो चेंज हो रहा है, अभी आप देख रहे हैं सितंबर का महीना है, काफ़ी गर्मी पड़ रही है, लोग काफ़ी परेशान हो गए थे, अचानक ठंड ने दस्तक दे दी है, तो क्या कहेंगे कि ठंड अचानक आ जाएगा या फिर गर्मी आ जाएगी? ये देखिए, मौसम तो हमेशा चेंज होता रहता है, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अनुकूल बनाना होगा। ठीक है, जैसे अभी बारिश हो रही है तो जब भी घर से निकले तो रेनकोट पहन के निकले, है ना, और पानी में बेवजह ना निकले, अपने आप को बचाएं उससे और खान पान में सावधानी बरतें। तो खान पान में सावधानी बरते। अच्छा, सिंहेश्वर में जो पेशेंट देखते थे, जो अभी बारिश के समय में जो ज़्यादा लूज मोशन आ रहे हैं, सर्दी जुकाम, इससे पहले कौन से पेशेंट आते थे? पेशेंट तो हर तरह के ही आते हैं, वहाँ इमरजेंसी पेशेंट होते हैं तो वहाँ पे कुछ भी आ जाता है, स्नेक बाइट आ जाता है, कभी डॉग बाइट आ जाता है, कभी एक्सीडेंट केस आ जाता है, कभी असोल्ट का केस आ जाता है, तो वहाँ पे तो सारा केस आता रहता है। पर अकॉर्डिंग टू वेदर पेशेंट का जो जिस तरह होता है, जैसे कि अभी ज़्यादातर मेरे पास जो पेशेंट आ रहे हैं वो वही डायरिया के पेशेंट और मलेरिया टाइफाइड डेंगू ये सब पेशेंट आ रहे हैं। तो उनको जो है जो जानकार ये होना चाहिए, हमेशा सर्टिफाइड डॉक्टर को दिखाएं और झोला छाप डॉक्टर से बचें और जो भी जाँच है वो जाँच करवाएँ और जाँच के अकॉर्डिंग फिर ट्रीटमेंट करवाएँ। जैसे कि आप जो पेशेंट देखते हैं, एक एक दिन में 150-150 पेशेंट देख लेते हैं, तो कैसे समय देते हैं वहाँ पेशेंट को इतना? देखिए, सरकारी अस्पताल में है तो आपको उतना तो 100-150 पेशेंट तो देखना ही पड़ता है, और आजकल सब ऑनलाइन हो गया है, तो आपको आप एक समय में कितना पेशेंट देख रहे हैं, एक OPD में कितना OPD कर रहे हैं, तो वो आपको कैलकुलेट हो जाता है। और आपको वहाँ पे पेशेंट को ट्रीटमेंट देना होता है, सबको, किसी को मना नहीं कर सकते हैं, तो वो पेशेंट तो देखना पड़ता है। और वहाँ पे फ्री इलाज मिलता है तो पेशेंट ज़्यादा आते हैं। अच्छा, वहाँ रहता, मगर आप पूर्णिया में यहाँ पर रहते हैं अभी, तो आप ना सेवा देते हैं सिंहेश्वर पे, यहाँ पे जो पेशेंट आते हैं तो फिर कहाँ देखते हैं? देखिए, मेरा घर है शंकर चौक तत्मा टोली में, मेरा यहाँ बचपन मिला है, बीता है यहाँ पे, और मैं यहाँ पे पेशेंट के लिए 24/7 अवेलेबल हूँ। जब 4 दिन मैं सिंहेश्वर में रहता हूँ, बाकी दिन मैं जब पूर्णिया में रहता हूँ, तो अपने निज आवास मेरा शंकर चौक तत्मा टोली है, यहाँ पर मैं इमरजेंसी सुविधा और OPD सुविधा देता हूँ। बाकी मेरा एक क्लिनिक वहाँ पर भी है, हीरा देवी हॉस्पिटल के अपोजिट में, गायत्री मेडिकल के पीछे। तो लाइन बाज़ार में अगर पेशेंट आते हैं तो वहाँ मैं वहाँ देख लेता हूँ, बाकी दिन घर पर हूँ तो मैं हमेशा 24/7 मरीजों के लिए अवेलेबल हूँ। चलिए, ये सेवा दे रहे थे। एक सवाल है, इससे पहले भी हमने कई इंटरव्यू किए हैं, कई डॉक्टरों के इंटरव्यू दिखाए हैं, डॉक्टर ने कहा है कि जिनके पास सर्टिफिकेट है, जिनके पास डिग्री है, जो इलाज करते आ रहे हैं, उन्हीं से आपको इलाज करना चाहिए। तो अब हम डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे कि आपने कहाँ से तालीम ली है, कहाँ कहाँ आपने जो है
हॉस्पिटल में अपना समय दिया है और वहाँ से यहाँ पे आए। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि हमेशा जो भी आप ट्रीटमेंट कराएं हमेशा सर्टिफाइड डिग्री होल्डर्स से कराएं, किसी भी फेक या झोला छाप डॉक्टर से नहीं कराएं, वो आपके लिए खतरा, आपके जान के लिए खतरा हो सकता है। मैंने MBBS कलिंग स्टूडेंट मेडिकल साइंस भुवनेश्वर से किया है, उसके बाद मैंने बड़े बड़े अस्पताल दिल्ली के जो भी बड़े अस्पताल हैं एम, सफदरजंग, RML, LNGP, GTV, DDU, दादा देव हॉस्पिटल में मैंने सरकारी अस्पताल जो भी दिल्ली के बड़े अस्पताल हैं वहाँ पर मैंने कार्य किया है JR। उनके बाद फिर मैं प्राइवेट अस्पताल में भी काम किया जैसे माता चरण देवी, अग्रसेन और आकाश हॉस्पिटल में। फिर मेरा घर यहीं पे है तो फिर मैं अब सोचा कि अब चलो अपने बिहार के लोगों की सेवा करूं, तब मैं 2020 से मैं यहाँ पे आप बिहार में सेवा दे रहा हूं। जी आप इससे ज़्यादा तो बाहर ही कमा रहे थे तो फिर पूर्णिया ने क्यों पसंद किया? क्योंकि ये मेरा अपना घर है और अपना घर अपना होता है और अपने लोगों को सेवा करके बहुत खुशी होती है और मैं जहाँ तक होता है मैं लोगों को फ्री में दवाइयाँ भी देता हूँ, फ्री में जो भी इलाज होता है वो मैं करता हूँ। संडे को मैं कोशिश करता हूँ कि लोगों गाँव के लोगों के बीच में जाऊँ और उनको जो डॉक्टर की फ़ीस नहीं दे पाते हैं या मेडिसिन नहीं ले पाते हैं तो मैं डॉक्टरी फ़ीस माफ़ करके उनको मुफ्त में इलाज और मुफ्त में दवाइयाँ भी देता हूँ। मतलब आप समाज सेवा कर रहे हैं? जी। आजकल जो समाज सेवा करते हैं डॉक्टर हो या कोई समाज सेवी, उनका क्षेत्र होता है राजनीति में जाना, ऐसा तो नहीं है कि आप भी राजनीति में जाना चाहेंगे? जी नहीं, मेरा अपना हमेशा से यही है कि हमेशा मानव धर्म का सेवा करता रहूं और मैं एक डॉक्टर हूं तो मेरा ये कर्तव्य है कि लोगों को कम से कम खर्चे बेहतर इलाज दूँ और उनका सेवा करता रहूँ बस। तो ये थे डॉक्टर राजीव रंजन जो तमाम जानकारी आपको दे रहे थे और बता रहे थे कि किस तरह वो समाज सेवा करते हैं, अपनी सरकारी नौकरी के साथ साथ आम लोगों की सेवा निशुल्क भी करते हैं। तो ये प्रेरणा थी, उनका ये भी कहना था कि उनको राजनीतिक क्षेत्र में नहीं जाना है बल्कि समाज सेवा करके नाम कमाना है। फिलहाल आप दर्शकों यूं बने रहें, देखते रहें खबरों के लिए कोशी आलोक न्यूज। अब आपको पटना, सिलीगुड़ी या बाहर इलाज के लिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब सीमांचल और कोसी जोन के मरीजों के लिए खुल गया एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आपके शहर पूर्णिया के NH 31 लाइन बाजार कप्तान पुल के पश्चिम में गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर, सर्विस टू ऑल फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डॉक्टर BN कुमार द्वारा संचालित गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर, 2400 घंटे इमरजेंसी विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा, इसके अलावा पूरे देश के प्रशिक्षित टेक्नीशियन, पारा मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर अस्पताल में मौजूद है। 2400 घंटे इमरजेंसी की सुविधा के साथ फार्मेसी, डायग्नोस्टिक, एम्बुलेंस, ट्रीटमेंट, एडमिशन, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, न्यूरोलॉजी एंड रिस्पिरेटरी मेडिसिन, 4 बेड का अत्याधुनिक डायलिसिस यूनिट और 20 बेड का अत्याधुनिक ICU और CCU। BPL कार्डधारी मरीज को प्रत्येक रविवार निःशुल्क देखा जाता है एवं भर्ती मरीज का रियायती दर पर इलाज किया जाता है। साथ ही प्रत्येक महीने के 5 तारीख को सामान्य रोगी को निःशुल्क देखा जाता है। गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर, एड्रेस NH 31 लाइन बाजार, वेस्ट ऑफ कप्तान पुल, पूर्णिया। फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक का संसार आपका अपना आर बाजार, भरोसे की खरीदारी, माँ अंबे रिटेल प्राइवेट लिमिटेड, ऑल काइंड्स ऑफ फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, NH 31 बाईपास बेलोरी, पूर्णिया। और इलेक्ट्रॉनिक का संसार आपका अपना आर बाजार, भरोसे की खरीदारी, माँ अंबे रिटेल प्राइवेट लिमिटेड, ऑल काइंड्स ऑफ फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, NH 31 बाईपास बेलोरी, पूर्णिया।